पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार, 1 के पैर में लगी गोली। खबर महाराजगंज जिले के कुल्ही थाना क्षेत्र में एसओजी सवाट व पुलिस की टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है बीती रात के करीब 1 बजे बदमाशों और पुलिस के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों तरफ से गोलियां तड़काई गईं। कुल्ही थाने के सोनपति गांव के पास आधी रात के करीब पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हो गया। पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली एक बदमाश के पैर में लगी, साथ ही उसके 2 और साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है वो लोग कुछ दिन पहले सिद्धार्थनगर जनपद के सोहरतगढ़ में एक ज्वेलरी की दुकान को लूट कर फरार चल रहे थे। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 1 बदमाश गोंडा, 1 गोरखपुर और 1 कुल्ही का रहने वाला है। गोंडा के बदमाश उल्फत अली के पैर में मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। फिलहाल तीनों बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना कुल्ही क्षेत्र में 22 जनवरी के कार्यक्रम के दृष्टिगत संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी। स्थानीय पुलिस टीम, एसओजी टीम, स्वाट टीम के द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि सौरतगढ़ सिद्धार्थनगर जनपद में एक चोरी हुई है, जिसके अभियुक्त माल के साथ में कोलुई क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल संयुक्त टीम के द्वारा सघनता के साथ में चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर हमला किया गया, जिसमें जवाबी फायरिंग में उल्फत को गोली लगी है, जिसे उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। दूसरे अभियुक्त को भागते हुए चोट लगी है, उसे भी उपचार हेतु एडमिट करवा दिया गया है। उल्फत गोंडा का रहने वाला है। इनसे जो बरामदगी हुई है वो 13 किलो चांदी चोरी की, स्कॉर्पियो और साथ में 4 मोबाइल और 1 टीवी बरामद हुई है। इस संबंध में सिद्धार्थनगर टीम को भी अवगत करा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।